हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। आज मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ थ्री स्टेप हेयर कट कैसे करें। बहुत ही सुंदर लुक आया था, लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ थी उन्होंने एकदम शॉर्ट करा लिया है। तो कैसे कट किया है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपने ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए उस चैनल को भी। तो आज का हेयर कट कैसे किया है, लॉन्ग टू शॉर्ट है विद थ्री स्टेप हेयर कट है। बहुत ही अच्छे प्यारे से स्टेप आए थे, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो हाँ, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं। गाइस, ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा हेयर यहाँ पर मैंने कट किया है, इतनी लॉन्ग हेयर कट हुए हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं, और देखिए आप कितना सुंदर सा कट आता है इनका। तो उसके लिए ये इनका हेयर है, तो मैं यहाँ पे कटिंग स्टार्ट करूँगी। पहले मैंने लाइट ऑफ किया, क्योंकि ये रात में आए थे हेयर कट कराने, मतलब शाम के टाइम पे जिस टाइम थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए मैं बार बार लाइटनिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको मैं सेट कर रही थी। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, जो कैमरा मतलब जिन्होंने मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ था उन्होंने बोला कि अभी ठीक दिख रहा है। तो आप देख सकते हो इन्होंने बोला काफ़ी मुझे छोटे कराने हैं, मुझे अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा छोटा करने में, बट इनको कराना था तो मैंने कर दिया। तो सबसे पहले मैं कटिंग सीट लगा लेती हूँ और बालों को गीला कर लूँगी, गीले करके अच्छे से सुलझा लूँगी। तो यहाँ पे मैं इनके बालों कटिंग सीट मैंने बांध दिया इनको, और अभी मैं सावर लेने गई हूँ। सावर लेके आती हूँ मतलब हेयर स्प्रे बॉटल, और अभी मैंने वैक्स गर्म करने के लिए लगाई हुई, क्योंकि वैक्स कराने के लिए भी कस्टमर आए हुए थे। जो वैक्स होता है ना उसको मैंने बहुत ज़्यादा ही उबल गया था, तो अच्छे से वैक्स नहीं हो पा रहा था। तो ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा वैक्स ना उबले जैसे वैक्सिंग करते हो आप। तो इसमें मैंने ये भी टिप्स बता दी आप लोग को, बहुत ज़्यादा उबल गया था हेयर कट करते करते, मैंने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा उबल गया था वैक्स, और फिर मैं लगा रही थी तो लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा वैक्स इसमें डाला और फिर उसको गर्म करके और फिर अप्लाई किया, तो अच्छे से वैक्स हुआ था मेरा। तो चलिए हेयर कट कर रहे हैं, तो हेयर कट की बात करते हैं। यहाँ पर मैं इनके बालों को अच्छे से सुलझा ले रही हूँ, तो ज़्यादा उलझे हुए बाल नहीं थे इनके, सुलझ जा रहे थे आराम से। फिर मैंने यहाँ पे इनके बालों को सुलझा लिया है, और भी पहले मैं इनकी लेंथ निकाल दूँगी जितना इनको लेंथ कट कराना है, उसके बाद से देखिएगा किस तरीके से मैं कट करती हूँ। तो पहले स्ट्रेट डीप यू वी यू कट, ये सब कट करने के लिए आपको बालों को मिडिल पार्टिंग करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर मिडिल पार्टिंग कर ली। पहले मैं स्ट्रेट में इनका लेंथ कट करके निकाल लूँगी। ओके, तो अच्छे से बाल इनके सुलझ चुके हैं, और अभी कटिंग स्टार्ट करेंगे। सिर को हल्का सा नीचे झुकवाया था मैंने ताकि हेयर कट अच्छे से आए, तो मैंने इतना बोला तो इन्होंने बोला नहीं इससे भी ज़्यादा, तो यहाँ तक मैंने यहाँ पे कट करेंगे। ओके, उतना लेंथ निकाल देना है। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मैं हेयर कट करती हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से तो हम नहीं निकाल सकते, उनको जितना चाहिए होता है उतना कट करते हैं। और हेयर कट कराने से वॉल्यूम भी अच्छी दिखने लगती है, बालों की क्वालिटी भी अच्छी दिखती है, हेल्दी दिखते हैं हेयर, तो हेयर कट कराते रहना चाहिए हमको। तो यहाँ से जहाँ से मैंने अपनी फिंगर पकड़ी है यहाँ से इतना हेयर मैं इनका कट करूँगी। ये कम से कम 10 से 12 इंच तक लेंथ इनकी निकाली थी मैंने। ओके, तो ये देखिए इतना छोटा कर दिया मैंने इनका हेयर। अभी इसमें मैं थ्री स्टेप करूँगी। तो थ्री स्टेप हेयर कट कैसे करते हैं वो भी आपको ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रेट कट आप इस तरीके से कट कर सकते हो। उसके बाद से थ्री स्टेप हेयर कट करने के लिए जहाँ से हम लोग पफ बनाते हैं, जैसे क्राउन एरिया जो हमारा होता है, लेकिन साइड से नहीं लेना है, बस इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आपको दिख रहा होगा ऐसे इसी इस साइड से जैसे लिया है मैंने, उसी तरीके से सेम दूसरी साइड से भी आपको लेना है। जैसे आप पफ बनाते हो तो हेयर उठाते हो ना, उस तरीके हाफ पफ बनाते हो उतना हेयर आपको यहाँ पे उठाना है, और इस तरीके से कॉम करना है ऊपर की तरफ, सीधा कॉम करके लेके जाना है इस तरीके से। ओके,
इस तरीके से गोलाई में एकदम मैंने मांग निकाली है और बीच के हेयर को ऊपर उठाया है एकदम ऊपर सीधा, मतलब 90 डिग्री पे ले जाके यहाँ से हमको स्टेप स्टार्ट करने हैं। तो इतनी लेंथ और निकलेगी यहाँ पे। ये मत सोचिए कि आपकी लेंथ ज़्यादा जा रही, ये लेंथ आपकी इतनी ही रहेगी जितनी आपने पहले कट कराई है। ये सिर्फ स्टेप डालने के लिए ही कट हो रहे हैं। और जो हम लोग स्टेप एडवांस लेयर वगैरह करते हैं, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी कट करना होगा। जैसे हमने ऊपर से कट किया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से लेयर आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर थोड़े से हेयर उठाएंगे। अब ध्यान से देखो कहाँ कहाँ से मैं हेयर पकड़ रही हूँ, वहीं से आपको भी लेने हैं। अगर फुल स्टेप आपको मतलब अच्छे से स्टेप लाना है बालों में तो इस तरीके से पकड़ना है। फेस को भी कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाओगे 90 डिग्री पे इस तरीके से। और जैसे ही आपने कट किए वो हेयर गिरेंगे, वहाँ से आपको ये वाले हेयर भी कट कर देने हैं, देख सकते हो। ओके, देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको कितना अच्छा सा लेयर आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। इस सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी कट करना है। ईयर के पास से इतने हेयर छोड़ देने हैं ताकि आपके वॉल्यूम आपका वॉल्यूम कम ना हो और लेंथ इधर उधर ना हो उसके लिए। उसके बाद से सारे हेयर को ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। जैसे आपने उधर से कट किया था सेम उसी तरीके से आपको इधर से भी कट करना है। जो आपने कट किए थे वो हेयर जैसे ही निकलेंगे आपको वहाँ से कट कर देना है। आप ध्यान दीजिए कि आपके लेयर्स एक पास सारे ना हों, थोड़े ऊपर नीचे करके हों। ओके, उसके बाद आप देख लो, अगर आपको लगे कि आपका इतना सारा मतलब जो स्टेप है वो अच्छे लग रहे हैं तो आप इतने पे छोड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और स्टेप चाहिए, ये तो 3 स्टेप हो गए आपके, अब आपको थोड़ा सा और मुझे इसमें स्टेप लाने हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे स्टेप आए हैं, बहुत सारा मतलब स्टेप अलग अलग दिख रहा है, पूरे लेयर्स बालों में आ गए हैं। अब आपको बीच से मुझे थोड़ा सा लेयर और चाहिए इनके बालों में, तो उसके लिए मैं पहले इनको फिनिशिंग दे दूँगी बालों में। फिनिशिंग के लिए पहले अच्छे से कॉम करेंगे, फिर यहाँ से थोड़े से हेयर उठाएंगे ताकि और भी अच्छे से लेयर इनके बालों में स्टेप पूरा अच्छे से दिखे क्लियरली। तो यहाँ से मैंने हेयर उठाए हैं, इसको फॉर्म करके लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ कॉम करेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर आपको दिखेंगे वो आप इसको उसको कट कर देना है। इस तरीके से पूरा गोलाई में हेयर को ले लेना है और सारे हेयर को अच्छे से कॉम करना है। जो निकले अब उसको छोड़ दीजिए, पूरा ऊपर 90 डिग्री पे इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे। और जो भी देखिए छोटा बड़ा जो दिख रहा है उसको आप बराबर में कट कर दोगे। और जब इसको छोड़ोगे तो आपके स्टेप बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखेंगे और बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा, देख सकते हो। बहुत ही प्यारा कट आया था, इस तरीके से आप कट कर सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेप्स और लेयर दिखाने के लिए। इस तरीके से क्लच लगाएंगी, पोनी बनाएंगी या फिर हाई बन भी बनाएंगी या फिर हाई पोनी टेल भी बनाएंगी, तो जैसे स्ट्रेट या फिर वी शेप वगैरह में हमारे हेयर की पूंछ जैसी दिखती है उसमें वैसा नहीं दिखेगा, आपके बाल स्ट्रेट दिखेंगे अगर आप पोनी भी बनाते हो तो। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा स्टेप आ गए हैं इसमें और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कटिंग। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको ये कटिंग कैसी लगी। अब हम लोग इसमें फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के लिए आपको इस तरीके से फ्रंट से भी थोड़ा सा हेयर कट करूँगी मैं, अभी हल्का सा यू कट में मैं इसको कट कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है बस उसको लाइट यू में, ज़्यादा डीप नहीं करूँगी। डीप करने से आपका वही प्रॉब्लम आ जाएगी, टेल बन जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मैंने कट कर दिया है। तो ये देखिए कितने प्यारे से लेयर्स स्टेप फुल स्टेप आ गया बालों में। अब 3 स्टेप में ही पूरे बालों में स्टेप आ चुकी है। 3 स्टेप कटिंग इस तरीके से कीजिए तो बहुत ही अच्छे स्टेप दिखेंगे और बहुत ही अच्छा लेयर भी दिखेगा। अभी हमको थोड़ा सा फ्रंट से हेयर कट करना है इनका। तो
तो फ्रंट से कट करने के लिए पहले मैं इनके बालों की कैसे पार्टिंग करनी है वो आप देख लीजिए। यहाँ से थोड़े से हेयर लूँगी, थोड़ा और अच्छा लुक आ जाता है इससे। आप जब पफ बनाओगे या फिर ओपन भी रखोगे तो अच्छा सा लुक आएगा आपके बालों का, इसलिए फ्रंट से भी थोड़ा सा इस तरीके से कट कर लेना है। तो इतने हेयर मैंने लिए हैं, ओके। आप ध्यान से देखो, पूरा नीचे हेयर तक नहीं लिया है मैंने, इस तरीके से गुलाई में हेयर उठाए हैं और इसको ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाऊंगी ऐसे, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूंगी। ज़्यादा नहीं कट कर रही, मैं सिर्फ 2 से 3 इंच तक आगे का कट कर रही हूँ, और इस तरीके का फ्रंट से लुक आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्लो ड्राई वगैरह कुछ नहीं किया, मतलब कुछ किए बिना ही इतना अच्छा लुक आ रहा था इनका, लुका ही हुआ था वीडियो। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेयर कट भी अच्छी लगी हो और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी है PreetiWise24। और कुछ मुझे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Bye-bye.